हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक टूल है, इसका यूज़ कैसे करेंगे। इस टूल को बोलते क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसको बोलते हैं क्रोन टूल। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा भी हुआ है क्रोन टूल, देखिए क्रोन, ठीक है, ये क्रोन टूल है और इसे बोलते हैं क्रोन। और ये इसका पीछे का बेस जिसमें क्रोन को फंसाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्रोन टूल का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ली हुई है एक ईवन की वायर, ये देखिए एक वायर ली हुई है 4 पेयर की, ये ईवन की वायर है, ठीक है। अब इसे हमें इस पर पंच करना है। तो पंच करने का तरीका क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसे यहाँ से ऐसे इंसर्ट करेंगे। इसे ऐसे इंसर्ट करने के बाद इसे इसके नीचे से निकालेंगे। अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो हमें इसको हटा लेना है क्रोन को, बट शायद मैं इसे लगा पाऊँगा। देखिए जी हाँ, इस तरीके से इसे लगा लेना और इसे मैंने निकाल लिया। अब देखिए इसके TX और RX 2 पेयर होते हैं, 2 ट्रांस वाले 2 रिसीव वाले। तो हमारा जो क्रोन में पंच करने का जो प्रोसेस होता है या तरीका होता है वो ऐसा होता है कि पहले 2 वायर TX होते हैं, उसके बाद 2 वायर RX होते हैं। वो ऑपरेटर के हिसाब से डिपेंड करता है। कोई 2 वायर, कोई ये पूरी लाइन TX के लिए लेता है, नीचे वाली RX के लिए लेता है। बट हम क्या कर रहे हैं, इधर पे TX पैच कर रहे हैं, इस वाले पे RX पैच कर रहे हैं। तो ऐसे पैचिंग करते हैं। देखिए इसको जो हम पैच करेंगे तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ताकि ईजिली दिख सके। और इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। अभी तो हमने ऐसे ही ले लिया, बाकी LED से चेक करके TX RX वो लगाते हैं। तो अभी हमने इसको ऐसे ही ले लिया। अब देखिए, अब ये वायर इस पर आ गई। अब इसका यूज़ ये है, ये देखिए क्रोन टूल। अब इस पर क्या है, देखिए ये वाला पोर्शन ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। अगर ये वाले पोर्शन को आप ऐसे कर देंगे तो ये दबाएंगे तो ये दबेगा नहीं। अब इस आपको इस पोर्शन को सीधे रखना है। देखिए ये सीधे हैं, अभी आप जब इसको दबाएंगे तो ये प्रॉपर दबेगा। अब देखिए इसको मुझे पैच करना है, तो इसको ऐसे लगाएंगे और ऐसे करेंगे। ये देखिए वायर कट हुई ना। अब ये देखिए ऐसे ही दूसरा ऐसे। अब देखिए इसमें सारी वायर प्रॉपरली पैच हो चुकी हैं। देखिए ठीक है। अब सपोज दैट ये वायर मैंने गलत लगा दी, तो अब इसे निकालूंगा कैसे। ऐसे निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इस क्रोन टूल पे ही एक, ये देखिए ये वाला टूल दे रखा है। अब इसे निकालेंगे कैसे, हम इसको प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो ये टूल बाहर आ जाएगा। अब इसको हमने ऐसे लिया और इसको, तो इसको ऐसे निकाल लिया हम लोगों ने। अब इसको इस तरीके से खींचना है। ये देखिए इजीली हम वायर को अलग कर पा रहे हैं। अब ये देखिए ये चारों वायर जो हमने पैच करी थी वो सारी की सारी अलग हो गई, ठीक है। तो इनको हमने पूरा सा अलग कर लिया। अब इसे हटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक दूसरा भी टूल है, ये वाला। इसका क्या यूसेस है, इस पर ऐसे है। इसका यूसेस है कि जब ये क्रोन, सपोज दैट यहाँ से वायर घुसाने में दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस क्रोन को बाहर निकालेंगे, इधर से वायर डाल के फिर इस पर लगाएंगे। तो इसमें देखिए इसको ऐसे घुसाएंगे और इसे ऐसे हल्का सा करके बाहर निकालेंगे। देखिए रुक जाइए, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए, अभी ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे, पूरा नहीं निकालेंगे अदरवाइज फंस जाएगा। ये देखिए, तो ये देखिए क्रोन हमने पूरा बाहर निकाल लिया, ठीक है।
तो अब इसके बाद हम जैसे हम पीछे से नहीं डाल पा रहे वायर, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डालेंगे और इसको ऐसे डालने के बाद इसे फिर से ऐसे डालेंगे और अब हम इजीली फिर से वही प्रोसेस कर सकते हैं कि हम दो वायर पहले ये ले लेंगे और हमने ऑरेंज और ऑरेंज वाइट दो वायर ले लिए इस तरीके, दो वायर को ऐसे पैच किया। अब इसके बाद ब्लू ले लिया और ब्लू वाइट, देखिए। अब इसके बाद हम इसको फिर से वही करेंगे, सेम प्रोसेस, ऐसे ही पैच कर सकते हैं। आपको हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये वायर कट जाएगी। देखिए नीचे देखिए, ये सारी वायर प्रॉपर कटी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद जब इसको हमने ये कर दिया, इसके बाद दोबारा से इसको हम री इंसर्ट कर देंगे इसमें, ओके। और इसको ये प्रॉपरली इंस्टॉल कर देंगे फ्रेंड्स। अब सबसे लास्ट में आते हैं कि ये क्रोन टूल हमें मिलेगा कहाँ। ये आपको अमेजन में 500-600 रुपये में मिल जाएगा, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन लेने जाएंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, और इसके डुप्लीकेट्स काफ़ी मिलते हैं, 100-200 रुपये में भी मिल जाएगा, तो कोशिश करें ओरिजिनल लें फ्रेंड्स। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करिए और शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए।